सेंट थॉमस स्कूल, एडमिशन ओपन फ्रॉम नर्सरी टू 9th एंड क्लास 11th। मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स आशा वर्कर मल्टीटास्क वर्कर को दिवाली से पहले 28 अक्टूबर को मिलेगी तनख्वाह। हमारा एक कार्यक्रम था और मैंने उस कार्यक्रम में ये घोषणा की कि जितने भी आउटसोर्स के कर्मचारी है, आंगनवाड़ी है, आशा वर्कर है, हमारे ये और जो भी सरकार में पीडब्ल्यूडी में लगे हुए हैं, मल्टीपर्पज वर्कर्स लगे, उनको भी 28 तारीख को हम सैलरी देंगे ताकि वो भी त्यौहार अपना धूमधाम से मनाया जाए। उसके अलावा जो दिव्यांग बच्चे हैं, पहला नॉर्दर्न इंडिया का कॉलेज जो अच्छा बनाने जा रहे हैं, कंडा घाट का बनाने जा रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का बनाने जा रहे हैं, तो उन बच्चों के प्रोग्राम में मैं आज खुद किया और उन बच्चों से बात की। हमारी सरकार के चार केंद्र बिंदु है, सबसे पहले दिव्यांग बच्चे, अनाथ बच्चे, विधवाओं के बच्चे और चौथा 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग। इन चारों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। अनाथ बच्चों में हमारा 80% तक काम हो चुका है, विधवाओं के बच्चों में हम 90% तक काम कर चुके हैं और दिव्यांगों में हम 50% काम कर चुके हैं। अगले बजट में और उसमें सुधार करके और अच्छी योजना लाई जाएगी और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए हमारे आरंभिक तौर पर माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब से चर्चा हुई और जल्दी हम इस योजना को अगले बजट में प्रस्तुत करेंगे। इस बारे में जानकारी नहीं है, आपसे पता लग रहा है। वो तो मस्जिद वाले खुद ही तोड़ना चाहते थे, इमाम साहब तोड़ना चाहते थे और उन्होंने ये आपके जो प्रधान है वो तोड़ना चाहते थे, जो अवैध है, बेसिकली वो तोड़ रहे हैं, जो अवैध कर दी गई थी उसको तोड़ना चाह रहे थे। तो अब मुझे तो आपसे जानकारी मिली है और हिमाचल में ये पहला ऐसा उदाहरण होगा जहाँ समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग खुद आकर हिमाचल के सौहार्द और संस्कृति को बनाए रखते हैं और यहाँ हिमाचल में किसी प्रकार की कोई ऐसा बात नहीं है। यहाँ सभी धर्मों के लोग बड़े सम्मान से रहते हैं, सभी जाति धर्मों के लोगों को यहाँ काम करने का अधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।